चंद घंटों बाद देश को एक और वंदे भारत ट्रेन की शानदार सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार सुबह भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। जी हाँ, ये ट्रेन भोपाल और दिल्ली के बीच में चलेगी और 7 घंटे 50 मिनट में 708 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। रास्ते में ये आगरा कैंट स्टेशन पर 5 मिनट के लिए रुकेगी भी। सफर के शौकीनों को एक और वंदे भारत की शानदार सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह हरी झंडी दिखाकर देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन को भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। नई वंदे भारत ट्रेन के रैक बीते रविवार को चेन्नई से भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पहुंच गए हैं। नई वंदे भारत ट्रेन शनिवार को छोड़कर हर रोज सुबह 5:55 पर रानी कमलापति स्टेशन से रवाना होगी और 11:40 आगरा कैंट स्टेशन पहुंचेगी। आगरा कैंट में 5 मिनट रुकने के बाद ये फिर रवाना होगी और दोपहर 1:45 पर दिल्ली पहुंचेगी। इसी तरह भोपाल से दिल्ली के बीच 708 किलोमीटर का सफर ये महज 7 घंटे 50 मिनट में पूरा कर लेगी। वापसी के लिए ट्रेन दोपहर 2:45 पर नई दिल्ली से रवाना होगी। शाम 4:45 पर आगरा कैंट पहुंचेगी और आगरा से चलने के बाद रात 10:45 पर रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे, जिनमें से 14 एसी चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव कोच होंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने नई वंदे भारत ट्रेन के लिए मध्य प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी है। माननीय मोदी जी ने तो 8 साल में पूरे देश के अंदर 9 स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन चला दी और वो भी मध्य प्रदेश भोपाल को ये सौभाग्य मिल रहा है। 1 तारीख को वैश्विक नेता हमारे माननीय मोदी जी प्रारंभ करने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के लिए खुशी की बात। बीते 27 मार्च को इस ट्रेन का रानी कमलापति स्टेशन से आगरा के बीच रात में ट्रायल रन किया गया था। रेलवे के मुताबिक शुरू में ये ट्रेन 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, लेकिन बाद में इसकी स्पीड 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाई जा सकती है। भोपाल से दिल्ली तक का किराया चेयर कार के लिए करीब 2,000 रूपए और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए करीब 3,300 रूपए तय किया गया है। कहने की जरूरत नहीं है कि नई वंदे भारत ट्रेन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपके पास उद्घाटन सफर का लुत्फ उठाने का शानदार मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।